गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पीबीआर स्टडी में। मित्रों, सुबह सुबह 5 बजे आप देखते हैं जीरो लेवल बेसिक मैथ, एक ऐसी क्लास जहां से आप पढ़ना सीखते हैं एकदम जीरो से। तो अगर आपको मैथ नहीं आती है और आप सीखना चाहते हैं तो क्लास को कम से कम सिर्फ 10 मिनट देखना, पक्का सीख जाओगे, गारंटी हमारी होगी, लेकिन 10 मिनट देखना कम से कम। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है और ये क्लास 6 की मैथ है। तो पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लिखा है 10,999, 10,999 के बाद अगली 3 प्रकृत संख्याएं लिखिए। साथियों, प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर वो होती हैं जो 0 से बड़ी होती हैं, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इसके आगे कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याएँ, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें एक जोड़ देना है। जब एक जोड़ोगे तो इसके आगे वाली एक प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। 10,999 के आगे पहली संख्या हो जाएगी 11,000, ठीक है। दूसरी संख्या निकालना है फिर आगे, तो आप इसी 11,000 में एक जोड़ दो, तो ये 11,001 हो जाएगी दूसरी संख्या। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी क्या हो जाएगी साथियों, ये 11,001, इसमें 1 जोड़ दो, कितना 1, तो 11,002, ये तीसरी प्राकृतिक संख्या हो गई। इस तरह से आप समझ गए ना, तीनों नेचुरल नंबर आ गए। 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। देखो इसमें ठीक पहले बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे पहले के लिए, इसमें से 1 घटा दो, 1 घटाओगे ये 10,000 आ जाएगा। पहली संख्या क्या हो गई 10,000। दूसरी संख्या निकालनी है जो 1 सबट्रैक्ट करने के बाद बचा है, 10,000 बचा था ना, इसमें से 1 और सबट्रैक्ट कर दो, तो 10,000 में से 1 घटा दोगे और तो 9,999 आ जाएगा। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, इसमें से फिर से 1 घटा दो 9,999 से, तो 9,998 आ जाएगा, ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। तो इस तरह से आपके ये पहले और दूसरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मित्रों, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जैसे रावण की नगरी में विभीषण जी थे, राम राम करते थे, बाकी सब रावण की पूजा करते थे, वैसे ही दो एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात आती है तो यार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी पता है आपको, 0 है। क्या है, 0 है। तो वो तो मैं जो बात बताने वाला था थोड़ा सा पलट गई बाजी, उसको भी सुन लो। जैसे रावण की नगरी में विभीषण जो मैंने बताया था साथियों, इसका आंसर इस बात के लिए सही है जब पूछा जाए सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, उसके लिए होगा वो, ठीक है। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कुछ अलग है। ये कह रहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 2.3 में तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, उसका आंसर होगा 0 है। 0 इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 0 से ही शुरू होती है पूर्ण संख्याएं, 0 से ही क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। उसके बाद हम अगर बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। कह रहा कि 53 और 32 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखो जल्दी से, 53 और 32 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, चलिए बताइए। 53 और 32, देखो यार इसको सिंपल में एक काम करना है, 53 और 32 के बीच पूछ रहा है कि इतनी पूर्ण संख्याएं हैं ना, तो आप इसमें से घटा दो, घटाओगे तो क्या आएगा 1 और ये 2, लेकिन ये सही उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा, आप ये काम करके देख लो। जैसे मैंने आपको कहा कि 20 और 11 के बीच कितनी संख्याएं हैं, इसमें से अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो
एक संख्या आपकी इसमें जीरो भी निकल जाती है ना। तो इतना बात आप जान लो, यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करूँगा तो बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो ये जान लो कि जो भी आंसर आएगा उसमें से एक आप और घटा दोगे बस, ठीक है? क्या करोगे? इसमें से वन और घटा दोगे बस, जो भी आएगा। अभी इसके बारे में हम अगली क्लास में पहले से अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने लगूंगा कि वन क्यों घटाते हैं। तो ये याद रखना, अगर कहीं भी जैसे दिया है कि चलो बताओ 110 और 85 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपको पहले तो 110 से 85 घटा देना है और फिर उसमें से एक घटा देना है, बस ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 5 नंबर क्वेश्चन में साथियों पूछा है आपसे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, निम्न के परवर्ती ज्ञात कीजिए। परवर्ती नहीं, इसे पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, पूर्ववर्ती मतलब जानते हो क्या होता है? पहले की संख्याएं, और इसे इंग्लिश में सक्सीजर नंबर कहा जाता है ना? सक्सीजर ही तो कहते हैं कि कुछ और कहते हैं? चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, ध्यान देना 5वां क्वेश्चन, नोट कर लो जल्दी से। निम्न के परवर्ती ज्ञात कीजिए, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे राइट द सक्सीजर ऑफ, सक्सीजर लिख लो SUCCESSOR, सक्सीजर जिसे पूर्ववर्ती कहा जाता है। यार हिंदी थोड़ा गलत लिखा था, वो पूर्ववर्ती बताना है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन नंबर है ए, वो है नोट करो 24, लिखो जल्दी से, यार थोड़ा सा कम दिख रहा है इसमें। 24, 40, 71, इसका सक्सीजर बताना है। तो साथियों सक्सीजर मतलब होता है इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, उसके लिए आप वन सबट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? वन सबट्रैक्ट नहीं करोगे, वन एड करोगे। यार देखो ये पूर्ववर्ती नहीं, ये परवर्ती लिखा था, मुझे लग रहा था कि पूर्ववर्ती है इसका मतलब। नहीं, देखिए यहाँ पर अभी मतलब समझना, पूर्ववर्ती अलग है, परवर्ती अलग है। पूर्ववर्ती मतलब प्रोड्यूसर नंबर होता है, पीछे वाली संख्या, लेकिन ये बड़ा अलग अलग नाम से लिखा जाता है यार, परवर्ती। ये परवर्ती ऐसे ही तो लिखा नहीं है फिलहाल हमारे इसमें क्वेश्चन में, परवर्ती लिखा है, ऐसे लिखा है। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लो, इसे बहुत नाम से बुलाते हैं, ये परवर्ती लिखा जाए या उत्तरवर्ती लिखा जाए या अनुवर्ती लिखा जाए, ये सारे बलाएं सीख लो आप। अनुवर्ती लिखा जाए, परवर्ती या उत्तरवर्ती, इसका मतलब उसकी अगली संख्या पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें एक जोड़ दोगे तो ये 24, 40, 702 होगा, ठीक है? कोई भी जो भी नंबर दिया होगा उसमें आप ऐसे ही करोगे। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, 100, 100 और 199, तो इसमें क्या होगा पता है आपको? इसमें भी आप 1 ऐड कर दोगे, 100 और ये 200 हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लो जैसे, फट से लिख लो जल्दी से। इस तरह से आप बात समझ गए होंगे है ना कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में साथियों पूछा है पूर्ववर्ती, जो मैंने अभी लिखा था। तो पूर्व मतलब आप जानते हो पहले, तो मतलब उसके पहले की संख्या बतानी है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखो, निम्नलिखित के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या, तो पूर्ववर्ती में कौन कौन सा है? 94, ये बताओ 94 के पहले क्या आता है? इसमें से वन सबट्रैक्ट कर लो, वन सबट्रैक्ट करोगे आएगा 93, ये इसका पूर्ववर्ती हो गया। उसके बाद बात करें अगर हम 10,000 की, 10,000, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? इसमें से वन सबट्रैक्ट करोगे तो 10,999 आएगा, ठीक ना? ये हुई क्या आपके आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 7वां नंबर,
तो सातवां नंबर ध्यान देना। सेवन नंबर क्वेश्चन संख्या रेखा के बारे में बात कर रहा है साथियों, नंबर लाइन के बारे में। देखो नंबर लाइन क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर एक दूसरे के बाईं ओर स्थित है, उसमें चिन्ह लगाना है। तो पहले हम आपको संख्या रेखा समझा देते हैं, फिर आपको वो क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा जो आपके बुक में है। कक्षा 6 की NCERT मैथ आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है। ये एक रेखा होती है जिसमें बीचों बीच में मूल बिंदु होता है, इसके इधर साइड में +1 और ये +2 और ये +3, ये होता है ये +4, ये +5 और ये +6। इधर साइड अगर बढ़ेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश डैश, ये होता है। पूरा बात समझना, आगे क्या होगा कैसे। साथियों संख्या रेखा है ना ये, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, इधर साइड देखो दाहिना साइड माइनस है ना, किधर साइड माइनस होता है यार, उल्टा हो रहा है क्या, ये दाहिना साइड माइनस होता है कि बायां साइड। संख्या रेखा पर माइनस किधर होता है, देखिए साथियों ये क्लास काफ़ी देर में रात में रिकॉर्ड होती है, इस वजह से थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इस समय रात्रि के 12:40 हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम रिकॉर्डिंग काफ़ी लेट में हो रहा है। ये दाहिनी साइड प्लस होता है, याद रखना, बाई साइड माइनस होता है, ठीक है, इधर प्लस होगा। और एक बात और, नीचे साइड माइनस होता है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ऊपर साइड प्लस होता है, ये बात याद रखना बस, ठीक ना, बस यही पूरी कहानी होती है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कुछ दिए गए थे, पूछ रहा था कि कौन सी नंबर संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ होगी, कौन सी बाईं तरफ होगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना उसके बारे में बहुत ही अच्छे से। जैसे इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ संख्या धन 3 संख्या रेखा पर और धन 5, इसमें कौन किधर होगा, कौन दाहिनी तरफ होगा कौन बाईं तरफ होगा। आप सिंपल सी बात है, जान रहे हो, ये देखो 5 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये राइट है, यानी राइट साइड ये है, तो इधर आप ऐसे लगा दोगे बस हो गया, मतलब 5 क्या है, 5 उस साइड है ना। अगर मैंने आपसे कहा चलो बताओ संख्या रेखा पर -2 और 1 किस साइड कौन स्थित है, तो क्या है बताओ कौन, जिसको हमें दिखाना होगा। अगर हमें दिखाना है कि 2 किस साइड स्थित है तो हम इधर को लगा देंगे, अगर हमें दिखाना है कि 1 किस साइड स्थित है तो हम इधर को लगा देंगे। हमें दिखाना क्या है हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा था, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का लगाइए, इधर का या उधर का। तो चलो ठीक है, हम वो भी करके देख लेते हैं उपयुक्त चिन्ह लगा करके। ध्यान देना, 530 और 503। चलो क्वेश्चन नंबर आपका सातवां का पहला है, सातवां का पहला कह रहा कि 530 और 503। देखो दोनों धन संख्याएं हैं, दोनों प्लस में हैं, है ना, दोनों प्लस में है ना। लेकिन आप अगर एक बात को गौर करो, अगर इस पर हम इसको रखेंगे, मान लो कि इस पे हमने रख लिया संख्या, चलो ये 500 हो गई, ये 510 हो गई, ये 515 हो गई, धीरे धीरे 530 आएगी ना, आएगी 530, और 503 कहाँ होगी, 503 सिंपल सी बात है इन दोनों के बीच में यही कहीं होगी, और 530 यहाँ पहुँचेगी, होगी ना। यानी कौन बड़ा है, कौन बाद में आ रहा है, 530 ना, तो इसे आप 503 और ऐसे 530 कर सकते हो, जो बड़ा है उसकी तरफ को आप लगा दोगे एक तरफ से, ऐसे ही इसको समझा जा सकता है बस। यानी कहने का ये मतलब है कि जो संख्या बड़ी है उसी तरफ आपको चिन्ह लगाना है। जैसे मैंने लिखा 9 और मैंने लिखा 1 19, 19 बड़ी है तो आपको इधर लगा देना है, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2 1 9 और इधर लिखा 1 1 9, तो आपको इधर लगा देना है। ये था आपका सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सुन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बताइए
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आप लोग के क्या विचार है कमेंट करके बताओ, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना बाबा? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, शून्य से नहीं स्टार्ट होती हैं। लिख लीजिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, शून्य से स्टार्ट नहीं होती हैं, इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। कह रहा संख्या 400 399 का पूर्ववर्ती है। देखो यार, पूर्ववर्ती मतलब होता है एक कम, तो इसका 398 होगा, यानी कि ये भी क्या है, गलत है। आप इसको भी लिखोगे क्या? फाल्स, ये भी गलत है। सी नंबर क्या कहता है? शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जीरो सबसे छोटी होल नंबर है। अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, है ना? ये ट्रू है, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आप लोग नोट करो, क्वेश्चन मुँह फैला के देखो, नहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ तो क्या बोल तो रहा हूँ ना, लिख तो सकते हो ना, भगवान ने हाथ दिया है, पेन कॉपी दिया है ना पापा ने, चलो लिखो। डी नंबर है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। बताइए अब परवर्ती का मतलब आप लोग जान चुके हो, चलो बताओ फट से डी नंबर बताओ। परवर्ती मतलब होता आगे आने वाली, है ना? तो पूछ रहा है कि संख्या 600 जो है वो 599 का परवर्ती है। बिल्कुल है, क्योंकि 599 में एक जोड़ोगे तो 600 हो जाता है, यही है पूरी कहानी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देना अगला क्या कह रहा है, इसी में वो भी हम दर्ज कर दे रहे हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, क्या कहता है चुपके से मैं देख रहा हूँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ है, सही है, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे साथियों तो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट। और अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक ना? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से होती हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, याद रखना। सभी पूर्ण संख्याएं, लिख लो इन लाइनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। इसका दोनों में क्या अंतर है पता है? पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाती है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो को कोई स्थान नहीं दिया गया है। नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको खोजा गया है, फाइंड किया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। जैसे आप जानते हो कि प्राकृतिक है ना, नदियाँ प्राकृतिक हैं, पहाड़ प्राकृतिक हैं, है ना? लेकिन ईंट जो है ना, जिससे घर बनते हैं, वो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि उसको हम लोगों ने बनाया है, तो वैसे ये भी होता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें डी नंबर हो गया, ई नंबर बात कर लो चलो फटाफट, ई हो गया। एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब एफ वाला जो है ये गलत है। नंबर जी अगला, चलो सही है कि गलत है देखना है, नोट करो क्वेश्चन। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। दो अंकों का कह रहा कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती ही तो पूछा है ना जी, हाँ। दो अंकों की पूर्ववर्ती, मान लो मैंने 10 लिखा, कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती क्या कभी एक अंक की संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ववर्ती करोगे, 1 कम करोगे, 9 आएगा, 9 एक ही अंक तो है। इसका मतलब जी वाला क्या है? सही है। आगे चलो देखते हैं, यार जी वाला तो मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही है, लेकिन पहले समझो ऑप्शन गलत है। हो सकती है ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन क्यों गलत है?
ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसमें ऐसा कहा है कि नहीं हो सकती है। उसमें कहा है कि दो अंक की कोई भी संख्या होगी तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या एक अंक की कभी नहीं हो सकती है, वो कह रहा है। इसका मतलब उसने गलत लिखा, हो सकती है ना, ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, फाल्स होगा, मतलब समझना। यच एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, कह रहा है कि वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, वन नहीं है, जीरो है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, कह रहा कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, नहीं स्थित है भाई साहब, क्योंकि 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता, 13 इसके बाद आता है। आगे इसमें और भी एक पूछ रहा था, ये के नंबर था, ये के नंबर था, इसमें आई नंबर मैंने बता दिया ना। हाँ, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, कह रहा है आई वाला नंबर है, आई नंबर। देखो यार, प्राकृतिक संख्या वन का अगर कोई पूर्ववर्ती बोलेगा तो क्या करोगे, वन से वन सबट्रैक्ट करोगे, जीरो आएगा ना, ये जीरो इसका पूर्ववर्ती नहीं है, याद रखना। ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी एग्जाम में कि कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा अंक है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो वो वन है, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब, कह रहा कि पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखो यार, पूर्ण संख्या जीरो वैसे भी वो सभी की पूर्ववर्ती है ना, पूर्ण संख्या जीरो की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती, याद रखना, जीरो और एक इनकी कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक अगर बोले तो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उसके पहले कोई और प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। जीरो के पहले क्या होगा भाई, जीरो के, जीरो ही से तो शुरू होता है सब, जीरो के पहले कुछ नहीं होता। दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों का ही होता है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती मतलब आने वाली संख्या, आगे मैंने 91 लिखा, इसका परवर्ती 92 होगा। ये कह रहा कि दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है, बिल्कुल गलत लिखा गया, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि 23 का परवर्ती करोगे तो 24 आएगा, दो ही अंक का है, 57 का करोगे तो 58 आएगा, दो ही अंक का है, लेकिन 99 का करोगे तो ये 100 आ जाएगा, तीन अंक का हो जाएगा, इसका मतलब वो गलत लिखा है, बात समझ गए ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो चुका है साथियों, एक्सरसाइज 2.3 हम लोग सॉरी 2.2 पढ़ेंगे अगली क्लास में, 2.2 पढ़ेंगे। इसमें से बहुत से ऐसे छात्र जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत कर लें। और हाँ, एक बात और आपको बता दें साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लें। डियर स्टूडेंट, चलते चलते आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरी क्लास करना चाहते हैं और आप मैथ सीखना चाहते हैं, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता या कमज़ोर है मैथ में, वीक हैं, तो आप गारंटी के साथ सीख सकते हैं। उसके लिए प्ले स्टोर से आप PBR स्टडी का ऐप इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करने के बाद उसने अपना अकाउंट बनाइए, ऐप में अपना एक ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डाल करके एक 4 अंक का खुद से कोई पासवर्ड बनाएंगे, वहाँ पर आप बहुत सारी फ्री की क्लासेस देख पाएंगे। और अगर पूरा पढ़ना है तो वहाँ से आप पे भी कर सकते हैं, नाम मात्र का छोटा सा शुल्क पे करके आप मैथ घर बैठे सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें बिजनेस टाइम में फ़ोन कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर व्हाट्स ये जो दिया गया है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मिलते हैं। फिर जय हिंद, मुस्कराते रहिएगा, और हाँ, सुबह 8 बजे से कक्षा 10 का क्रैश कोर्स जरूर देखना, आज ही क्लास चलेगी, सुबह 8 बजे से आना, ठीक ना, क्रैश कोर्स देखना क्लास 10th के लिए, विशेषकर चाहे यूपी बोर्ड है, झारखंड, केरल, कर्नाटक, कहीं से भी है, NCERT पैटर्न होगा, तो याद रखना सुबह 8 बजे से ज़रूर आना। और PVR स्टडी को साथियों फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अनएकेडमी अवश्य फॉलो करना। हाँ, अनएकेडमी पर आपकी बहुत सारी क्लासें चली हैं, देख लेना।